नमस्कार स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा सेशन होने वाला है ये विजन आईएस पीटी 365 एनवायरनमेंट का ही एक पार्ट है, जहां पर बेसिकली हम स्पीशीज इन न्यूज़ को कवर करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है, इसका आपको अलग से क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है एग्जाम में, और हम बहुत परेशान होते हैं कि कौन सी स्पीशीज चर्चा में थी, क्या थी। तो जब ऑलरेडी हमें प्रोवाइड किया गया है तो हम वहां से ही इसको अच्छे से पढ़ लें तो हमारे लिए बहुत अच्छा होने वाला है। अगर आपने पहले के वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, पहले के वीडियोज़ एक बार जाकर देख सकते हैं। ऑलरेडी एनवायरनमेंट और कल्चर का हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उसको जाकर देख लीजिए। इसके अतिरिक्त हमने बहुत सारी सीरीज़ करी हुई है, जैसे हमने रिवर सीरीज़ करी हुई है, हमने मैपिंग की सीरीज़ करी हुई है, अगर आपने वो नहीं देखी तो उसको एक बार जाकर देख लीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर हम जो भी पढ़ाते हैं उसका PDF आपको अवेलेबल हो जाए। सबसे पहले स्पीशीज इन न्यूज़ में जो भी चर्चा में थी, हम टेररिस्टियल स्पीशीज़ की बात करेंगे। हंगुल जिसको हम कश्मीर स्टैग कहते हैं, ये चर्चा में था। इसकी पॉपुलेशन जो है वो 10% इसमें इजाफा देखने के लिए मिला है, ठीक है ना। ये अगर देखिए IUCN स्टेटस देखेंगे तो ये आप लोगों को क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में देखने के लिए मिलेगा, CR लिखा है, दैट इज़ क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ठीक है। उसके बाद ये साइट्स के अपेंडिक्स किस में आता है, Appendix 1 में आता है, ठीक है। अब यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूँगी तो सब स्पीशीज ऑफ अ सेंट्रल एशियन रेड डियर जो पाया जाता है उसका सब स्पीशीज है, जो कि कश्मीर में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये कहाँ मिलता है, जहाँ पर डेंस रिवराइन फॉरेस्ट होते हैं, हाई वैलीज होती है, माउंटेन्स होते हैं, जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश, वहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। बेसिकली आपको दाचीगम नेशनल पार्क जो है कश्मीर में, आपको वहाँ पर ही देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। इसके लिए हमने अलग अलग मेजर चलाए हैं, प्रोजेक्ट हंगुल चलाया है, स्टेट एनिमल है जम्मू कश्मीर का, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट वी हैव नीलगिर ताहर, इसके बारे में हमने आपको अपने करंट अफेयर्स के सेक्शन में पढ़ाया है, ठीक है। ये आपको तमिलनाडु में देखने के लिए मिल जाता है। अगर बात करें तो ये एंडेंजर्ड स्पीशीज EN लिखा है, मतलब एंडेंजर्ड स्पीशीज की कैटेगरी में आता है और शेड्यूल 1 में आता है। अब ये आपको केवल माउंटेन उनगुलेट्स में देखने के लिए मिलेगा, एनिमल विथ हूव्स जिसको बोला जाता है, ओनली माउंटेन उनगुलेट्स बोलते हैं इसको। देन उसके बाद इंडिया का अमंगेस्ट द 12 स्पीशीज प्रेजेंट इन इंडिया है, और बहुत रेयर मिलता है, ठीक है, एंडेंजर्ड कैटेगरी में ऑलरेडी रखा हुआ है। लोकली इसको बोला जाता है वरायादू, ठीक है। तो कहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, 2 इपिक्स हैं उसमें, इसके बारे में वर्णन है, ये इंपॉर्टेंट है, सिला पत्थीकरण करके है और सेवा कसी कसिन दामनी, इन दोनों इपिक्स में इनके बारे में जिक्र किया गया है। और ये बेसिकली एंडेमिक है वेस्टर्न घाट में, और इरनाविकुलम नेशनल पार्क, अन्नामलाई हिल्स जो केरला है वहाँ पर सबसे ज़्यादा ये पाया जाता है, ठीक है। स्टेट एनिमल है तमिलनाडु का, ये पता होना चाहिए। 7 अक्टूबर को डिक्लेयर किया गया है नीलगिर ताहर डे बाय तमिलनाडु गवर्नमेंट, 7th of October, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव संगाई डियर, आपको मणिपुर गवर्नमेंट ने इसके बारे में एक कंसर्न रेज किया हुआ है, मणिपुर में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। लोकटक लेक में हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट जो चलाया जा रहा है उसके कारण से इनकी पॉपुलेशन में बहुत इफेक्ट पड़ा है। एंडेंजर्ड स्पीशीज है अगेन, और आपको शेड्यूल 1 में देखने के लिए मिल जाती है। मिनिमम साइज डियर होते हैं, जो कि इनको हम डांसिंग डियर भी कहते हैं। लोकटक लेक जो केबुल नामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर में है, फ्लोटिंग बायोमास कॉल्ड फुमडी बनाता है, ये आप लोगों को पता होगा इसके बारे में। लोकटक लेक जो है वो एक वेटलैंड भी घोषित किया गया है रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत, और ये स्टेट एनिमल है मणिपुर का। देन वी हैव पेंगुलिन जो है, साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड अ न्यू स्पीशीज ऑफ हाईली एंडेंजर्ड पेंगुलिन चाइना। पेंगुलिन की एक स्पीशीज देखने के लिए मिली है चाइना में। इंडियन पेंगुलिन जो है वो एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है, शेड्यूल 1 में लाया करता है। यहाँ पर ओनली मैमल है, होली कवर्ड इन स्केल्स, देख लीजिए इस तरह से आपको स्केल्स में कवर्ड देखने के लिए मिल जाएगा। और उसके बाद अडल्ट मेल जो होता है वो 1/3 लार्जर होता है देन फीमेल से। ये अंडर थ्रेटेंड स्पीशीज में पहले था। इफ अंडर थ्रेट तो ये क्या कर लेता है, कर्ल कर लेता है अपने टाइट बुल्स को, कर्ल कर लेता है, मतलब आपने देखा होगा इसे बॉल की तरह बना लेता है, ये वही है। 4 स्पीशीज आपको अफ्रीका में इसकी देखने के लिए मिल जाएंगी, और 4 स्पीशीज आपको एशिया में देखने के लिए मिल जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव हुलॉक गिबन जो है, इसके अगर हम कंजर्वेशन स्टेटस की बात करेंगे तो इंडिया का ओनली एप है हुलॉक गिबन, जो कि कॉज ऑफ अ कंसर्न है एट अ ग्लोबल इवेंट ऑफ गिबन्स हेल्ड इन चाइना में, जो इवेंट हुआ था वहाँ पर इसके बारे में कंसर्न शो किया गया, अगेन एंडेंजर्ड स्पीशीज में आता है। और
दो हैं इसमें, वेस्टर्न हुलॉक जो है वो एंडेंजर्ड में आएगा और ईस्टर्न हुलॉक जो है वो वल्नरेबल कैटेगरी में है, शेड्यूल वन में लाया करता है। जब से स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट ऑफ ऑल एप्स है, रिवर्स के किनारे आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा, ओमनीवोर है और ईटिंग फ्रूट्स इंसेक्ट्स लीफ पर सर्वाइव करता है, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में आपको देखने के लिए मिल जाता है और इंडिया का यूनिक है इसलिए आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट वी हैव नामदफा फ्लाइंग स्क्विरल, आप इसके बारे में क्वेश्चन ऑलरेडी एक बार आ चुका है। तो ये मिसिंग ऑफ फॉर 42 ईयर्स, फ्लाइंग स्क्विरल्स रीसर्फेस इन अरुणाचल प्रदेश, बहुत समय से ये कहना चाहिए हमको दिख ही नहीं रही थी, 42 ईयर्स के बाद फ्लाइंग स्क्विरल अरुणाचल प्रदेश में देखने के लिए मिला है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है, अगेन शेड्यूल वन में आता है और ये एंडेमिक है इंडियन मैमल्स में, नॉक्टोरल एंडेमिक टू द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में। देन उसके बाद अगर हम इसकी रेंज की बात करेंगे तो सिंगल स्पेसिमन कलेक्टेड इन नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में ही देखने के लिए मिला है, पोचिंग के कारण इनको थ्रेटन बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिला है। नेक्स्ट वी हैव ढोल, ये एक रेयर साइटिंग ऑफ ढोल वॉज एनकाउंटर्ड इन शिव मागो डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में देखने के लिए मिला है, ये अगेन एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है, शेड्यूल वन में लाए करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एज एन अपेक्स प्रेडेटर इन द फॉरेस्ट इकोसिस्टम के लिए और कार्निवोर है डॉग फैमिली का, ठीक है, डॉग जैसा ही दिख रहा है आपको। सेंट्रल साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया में देखने के लिए मिलता है, इंडिया नेपाल भूटान थाईलैंड में, और बेसिकली वही है, इनको क्या होता है हैबिटेट लॉस के कारण दिक्कत है, रिड्यूस प्रे बेस है और इसके कारण सबसे ज़्यादा इनको दिक्कत होती है, इनके लिए हमने ढोल कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम भी चलाया हुआ है। नेक्स्ट वी हैव अटेनबोरोग एचिदना, अब जो भी इसका नाम हो मैंने प्रोनाउंस कर दिया है, एल्यूसिव अटेनबोरोन इचिना रीडिस्कवर्ड इन इंडोनेशिया में मिला हुआ है, इसका नाम किसने रखा हुआ है, ब्रिटिश नेचुरलिस्ट के नाम पर इसका रखा गया था इन द ईयर ऑफ 1961, क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। इसके 4 स्पीशीज आपको देखने के लिए मिल जाती हैं, 3 जो है उनके लॉन्ग ब्रेक्स ब्रेक्स होते हैं, बाकी एक के शॉर्ट होते हैं, नॉक्टोरल है और शाय नेचर का है, एकदम से छुप जाता है, टूथलेस बीक्स होते हैं इनके, ये ध्यान रखना, ईट थ्रू टूथलेस बीक्स होते हैं, उससे लोग खाते हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया तस्मानिया न्यू गुयाना में पाया जाता है। देन उसके बाद एम्पीरर पेंगुइन, ये आपको क्वासी एक्सटिंक्शन है बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी बोला गया है, क्वासी एक्सटिंक्शन द थ्रेशोल्ड रिफ्लेक्ट द पॉपुलेशन मे बी डूम्ड टू एक्सटिंक्ट इवन इफ देयर इज स्टिल इंडिविजुअल्स अलाइव, मतलब बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे, नियर थ्रेटेड स्पीशीज में इनको काउंट किया गया है, ठीक है। ये फाइटलेस बर्ड्स होते हैं, 18 स्पीशीज ये पेंगुइन्स की पाई जाती हैं, मेल्स इंक्यूबेटेड द एग्स फॉर द पीरियड ऑफ 65 to 75 days इन स्पेशली अडॉप्टेड ब्रूच पाउच, ठीक है। देन उसके बाद अंटार्कटिका अंटार्कटिक आइसलैंड्स में आपको देखने के लिए मिलता है। देन वी हैव मिथुन, फूड एनिमल्स है दैट आर रेज्ड एंड यूज फॉर फूड प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन बाय ह्यूमंस, ये अगेन प्रोटेक्टेड स्टेटस अपेंडिक्स 1 में आता है, ये आपको बेसिकली देखने के लिए कहाँ मिल जाएगा, तो ये जो हमारा गौर होता है इंडियन बायसन उसके जैसा ही दिखता है लेकिन साइज में थोड़ा छोटा होता है, और इसके अगर मैं एल्टीट्यूड की बात करूँ तो 300 to 3000 meters अबव द सी लेवल पर ये देखने के लिए मिल जाएगा। इंडिया में आपको अरुणाचल प्रदेश नागालैंड मणिपुर और मिजोरम में देखने के लिए मिल जाता है। स्टेट एनिमल है अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड का, ठीक है ना, और यहाँ पर एक रिसर्च स्टेशन डेवलप किया गया, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मिथुन नागालैंड में स्टैब्लिश किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव एवियन स्पीशीज, इसकी बात कर लेते, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, तो इसको सेव करने की बात करी इंडियन गवर्नमेंट ने, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज में आता है, शेड्यूल वन में आता है, और अगर हम बात करें तो एग्रो ग्रासलैंड बर्ड है जो एंडेमिक है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, ओमनीवोर बर्ड है, और बस्टर्ड स्पीशीज चाइना में भी देखने के लिए मिल जाती है, इसको हम सोन चिरैया मध्य प्रदेश में बोलते हैं और गोदावन राजस्थान में बोलते हैं और मालधोक महाराष्ट्र में बोलते हैं, बेसिकली राजस्थान में इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा देखने के लिए आपको मिल जाएगी और इनके लिए हमने ब्रीडिंग सेंटर्स बनाए हुए हैं। देन उसके बाद वेस्टर्न ट्रैगोपन करके है, ये भी बर्ड स्पीशीज़ है जो कि हिमाचल प्रदेश के सराहन प्लेजेंट्री में देखने के लिए मिल जाती है, वल्नरेबल कैटेगरी में आता है और शेड्यूल वन में इसको लाए करता है, बेसिकली डेसीडियस और टेम्परेट कॉनी फेरस फॉरेस्ट में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, और अगर ये हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश का बर्ड एनिमल है, एंडेमिक है नॉर्थ हिमालय में, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट वी हैव डोडो, ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा, री इंट्रोड्यूस हुआ है डोडो, एक्सटिंक्शन 17वीं सेंचुरी से क्या था ये
एक्सटेंट कैटेगरी में था, अब रीइंट्रोड्यूस हुआ है तो एक्सटेंट कैटेगरी में ही इसको अभी डाला हुआ है। फाइटलेस बर्ड है अगेन, और पिजन के जैसा आपको थोड़ा बहुत देखने के लिए मिल जाएगा, निकोबार पिजन के तरह देखने के लिए मिल जाता है, निकोबार पिजन कहते हैं इसको, और ये आइसलैंड्स ऑफ मॉरिशस में इसका हैबिटेट होता है। नेक्स्ट वी हैव मैनग्रूव पिट्टा बर्ड्स, ये आपको देखने के लिए मिलेगा उड़ीसा में, और 179 बर्ड्स ही देखने के लिए मिले, तो नियर थ्रेटेंड स्पीशीज कैटेगरी में आ गए हैं ये। और अगर हम बात करें तो सेक्रेटिव बर्ड्स होते हैं जो कि 17 से 19 सेंटीमीटर लेंथ होती है इनकी, और बेसिकली इंसेक्ट्स और अदर स्मॉल इन्वर्टिब्रेट्स को खाते हैं, और ये आपको बेसिकली इंडिया में कहाँ, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट वी हैव पेंटेड स्टोक, वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्लोक्स ऑफ पेंटेड स्टोक हैज बीन स्पॉटेड इन आंध्र प्रदेश, ये नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, और ये आपको ब्रीडिंग जंक्शन की बात करूंगी तो नॉर्थ इंडिया में और होता है जुलाई से अक्टूबर और नवंबर से मार्च में साउथ इंडिया में होता है। बेयर हेड इज रेडिश और ऑरेंज, ये देख लीजिए आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। बेसिकली इंडिया में कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, कोस्टल रीजन्स में देखने के लिए मिलेगा, उसके बाद पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, म्यांमार, मलेशिया, थाईलैंड और वियतनाम में मिलेगा। देन वी हैव एक्वेटिक स्पीशीज की बात कर लेते हैं, घोल और ब्लैक स्पॉटेड क्रॉकर, ये जो है इसको गुजरात ने डिक्लेयर किया घोल स्पीशीज को एज द स्टेट फिश, स्टेट फिश घोषित किया गुजरात ने, पता होना चाहिए। उसके बाद मेडिसिनल और कमर्शियल यूज के लिए ज्यादा होती हैं, एक्सपोर्ट भी किया जाता है इनको मलेशिया, हांगकांग वगैरह में, ठीक है ना, और इंडो पैसिफिक से गल्फ, पर्शियन गल्फ में आपको देखने के लिए मिलती हैं। देन उसके बाद घड़ियाल्स, अगेन 35 हैचिंग ऑफ घड़ियाल्स अ क्रोकोडाइल स्पीशीज स्पॉटेड, कहाँ पर, सतकोशिया गॉर्ज महानदी के पास, क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज में आते हैं, यूनिक है, थिनेस्ट होते हैं बहुत एंड मोस्ट एनलोंगेटेड, बहुत लंबे होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, मोस्ट एक्वेटिक ऑफ क्रोकोडाइल्स में देखने के लिए मिलेंगे। देन उसके बाद रेड सैंड बे बो, ये क्या है, इट रिपोर्ट ऑफ द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया रिपोर्ट फ्लॉग्स दैट इलीगल ट्रेड ऑफ अ रेड सैंड बो, ठीक है ना, इनका इलीगल ट्रेड हो रहा था, ये नियर थ्रेटेंड में है तो इनका आप इलीगल ट्रेड नहीं कर सकते हैं। टू हेडेड स्नेक होता है, बेसिकली दोनों तरफ से इनका मुंह होता है, टू हेडेड स्नेक बोलते हैं इनको। ह्यूज डिमांड है इनकी इंटरनेशनल मार्केट पे, इंडिया, पाकिस्तान और ईरान में देखने के लिए मिलेगा। देन उसके बाद डांसिंग फ्रॉग डांस करता हुआ भी दिख रहा है आपको, डांसिंग फ्रॉग वेस्टर्न घाट में देखने के लिए मिलता है। IUCN स्टेटस की बात करूंगी तो वल्नरेबल कैटेगरी में आता है, और इसके बाद एक वाइट चेक्ड डांसिंग फ्रॉग है तो एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है, ठीक है। फूट फ्लॉगिंग भी करता है जैसा कि अभी करते हुए आपको दिख रहा है, वेस्टर्न घाट में मिलेगा। देन उसके बाद येलो बेल्ट सी स्नेक देखने के लिए मिल जाएगा, येलो बेल्ट सी स्नेक जो है ये बेसिकली कोस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल में देखने के लिए मिलेगा आपको, लीस्ट कंसर्न की कैटेगरी में आता है, ठीक है, और ये स्विम कर सकता है अपनी बॉडी से, ये आपको पता होना चाहिए। देन वी हैव अ गुची मशरूम, गुची मशरूम के बारे में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है तो थोड़ा सा याद रखिएगा किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको कहाँ देखने के लिए मिल जाएगा, तो सबसे पहले आपको हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में देखने के लिए मिल जाएगा। पोटेशियम, विटामिन डी, कॉपर एंड एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर रहता है ये, और बेसिकली इनको मोरल मशरूम्स भी कहा जाता है, फंगी फैमिली में सबसे ज़्यादा कॉस्टलियर होता है। देन वी हैव बॉबस करके है, बिल भील ट्राइब जो होती है सेंट्रल इंडिया की, उन्होंने अपोज किया है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कि आप इस पेड़ों को ना काटें, लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में आते हैं, और जीनियस अडेंसोनिया फैमिली से बिलोंग करते हैं, बेसिकली ऑस्ट्रेलिया मेडागास्कर में देखने के लिए मिलते हैं। इनकी बहुत यूनिक ट्री होती है, पेंडुलस फ्लावर्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, बैट्स एंड बुशेस, बुश बेबीज यहाँ पर पॉलिनेट करते हैं, ठीक है। देन वी हैव जेंटियानो कुर्रो, ये उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इनको सेव कर लिया है इन प्लांट्स को, बेसिकली आपको कहाँ देखने के लिए मिल जाएंगे, ये हिमालयन रीजन ऑफ इंडिया, नेपाल एंड पाकिस्तान में देखने के लिए मिल जाते हैं। हेल्थ बेनिफिट्स क्या है, लिवर अलाइनमेंट के लिए, डाइजेशन डिसऑर्डर के लिए ये यूज किया जाता है। देन उसके बाद न्यूली डिस्कवर्ड स्पीशीज में इम्पेटियन कारुपुस्वामी, अब नाम से ही समझ में आ रहा है, DS कारुपुस्वामी के नाम पर इनको रखा गया, तमिलनाडु में मिली है, बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको डिस्कवर किया, प्लांट स्पीशीज है ना, प्लांट स्पीशीज है कहाँ पर, तमिलनाडु की, ठीक। फिर उसके बाद नेक्स्ट नाम है लाइसिनोटस नामचोमी करके, ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा हिमालय, जापान एंड इंडियन चाइना में, इंडो चाइना में। देन उसके बाद करकुमा करके है, ये फ्लावरिंग प्लांट है, मणिपुर में डिस्कवर किया गया है।
फिर साइट्रा डेकाइस करके है, जो ये आपको मिजोरम में देखने के लिए मिलेगा, स्पीशीज ऑफ अ गैको है। देन उसके बाद नाउधिंग म्यूजिक फ्रॉग है, अगेन म्यूजिक फ्रॉग है, नाउदियांग रिवर ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र में देखने के लिए मिलेगा। फिर उसके बाद बैतलिप्सी कलामी करके है, ये मराइन स्पीशीज हैं, अब APJ अब्दुल कलाम के नाम पर इनको रखा गया है, ये पता होना चाहिए। देन उसके बाद आर्माडिगोल करके है, जो वेस्टर्न घाट में केरला में देखने के लिए मिल जाएगा, ये अगेन डेमिसफ्लाई स्पीशीज हैं। देन उसके बाद बेडिस लिमाकुनी करके है, जो फ्रेश वाटर फिश है, आपको नागालैंड में देखने के लिए मिल जाएगी। और पेट्रिगोत्रिया करके न्यू स्पीशीज ऑफ अ मराइन फिश वेस्टर्न बंगाल में, वेस्ट बंगाल में देखने के लिए मिलेगी। तो यहाँ पर हमारी स्पीशीज इन न्यूज सारे खत्म हो जाते हैं, जितने भी थे मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। अगेन फिर से मैं बोलूँगी, अगर आपने पहले वाले हमारे विजन आई एस PT 365 के वीडियोस नहीं देखे तो उनको एक बार जाकर देख लीजिए, एक शॉर्ट रिवीजन हो जाएगा आपका, आपने पहले से पढ़ के रखा तो एक बार रिवाइज करने के लिए आपको बहुत बेनिफिट रहेगा इसका, और इसको बार बार पढ़ते रहिए, अच्छा रहेगा, इससे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आने की संभावना ज़्यादा रहती है। और कोशिश करिएगा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर आपको PDF अवेलेबल हो जाती है। धन्यवाद।